भीलवाड़ा में असामाजिक घटनाओं के विरोध में शनिवार को सर्राफा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और धार्मिक जुलूस का रूट बदलने की मांग की है। बता दें कि शुक्रवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने सर्राफा बाजार में पथराव कर दिया था, जिससे लेकर व्यापारी आक्रोशित हो गए थे। इस मौके पर श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र सोनी ने कहा कि समुदाय विशेष ने जुलूस के दौरान दुकानें बंद रखने पर भी गलियों के अंदर खुली दुकानों पर पथराव किया था, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। यह मोहरम के ऊपर और 12 औकात के त्यौहार के ऊपर स्वर्णकार समाज जो जोखिम भरा काम करता है, व्यापारी उधर का जोखिम भरा काम करता है और हम बाजार में बैठे रहते हैं और उनके ऊपर मतलब इन दौरान मतलब हम हथियारों से लैस होते हथियार लेकर आते हैं ये लोग और हमें एक भय का माहौल व्याप्त रहता है हमारे अंदर। हम दुकानें नहीं खोले तो भी हमारे अंदर ऐसा रहता है कि ये कुछ हो जाएगा। बाजार में दुकानें खुलती भी है और हमने पहले भी जो बाजार बंद रख रखा था मगर गली में कुछ दुकानें खुली हुई थी, उसका इन लोगों ने विरोध किया कि ये दुकानें भी क्यों खुले। हम चाहते हैं कि किसी भी त्यौहार पर, आज जैसे गणेश उत्सव का कल त्यौहार है तो उसके ऊपर भी हम किसी को ये नहीं बोलते कि दुकानें बंद करके रखो आप। हम यही चाहते हैं कि सारी दुकानें खुली रहे और भय का मतलब भय